So welcome to the channel guys, and here Mantastic is back again with a new video. और आज की वीडियो में मैं ना तो आपसे किसी गाड़ी का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू शेयर करूंगा और ना ही किसी गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी गाड़ी का इस लॉकडाउन पीरियड में ख्याल रख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं अपनी इको स्पोर्ट का एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिसमें कि मेरी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कि मुझे उस गाड़ी का एक पार्ट जो है रिप्लेस कराना पड़ा और उसकी कॉस्टिंग मुझे पे करनी पड़ी। तो कौन सा था वो पार्ट, क्या थी उसकी कॉस्टिंग, इन सब बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया में 21 दिनों का लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, जिसके लिए मैं आपसे बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है और आप अपने साथ साथ दूसरों को सेफ रखना चाहते हैं तो प्लीज घर पे ही रहें। अनलेस एंड अनटिल आपको कोई जरूरी काम जैसे ग्रोसरी है, मेडिसिन है, ये सब लानी हो तो ही आप बाहर जाएं। और इसी के साथ अगर आप किसी एसेंशियल सर्विसेज से बिलोंग करते हैं तो आपको बाहर जाना जरूरी है तो ही आप बाहर जाएं, अदरवाइज आप घर से बाहर ना निकलें। घर पे ही रहिए, आपका जो मन में आए करिए। पबजी वाले हो तो पबजी खेलो, टिकटॉक वाले हो तो टिकटॉक बनाओ, नहीं तो एंटरटेनमेंट के इतने सारे सोर्सेज हैं, यूट्यूब चलाओ, नेटफ्लिक्स है, कुछ नहीं तो घर का ही काम निपटा लो। और बात करूं मेरी तो मैं गाड़ियों के साथ साथ कुकिंग का खासा शौक रखता हूं, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है तो आपको पता हो कि हाल ही में कुछ दिनों में मैंने क्या क्या बनाया था और उसे मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे पोस्ट भी किया था। तो चलिए इसी के साथ अब मैं अपनी दोनों कार को किस तरीके से रखता हूँ, कैसे उनका ख्याल रखता हूँ ये सब जानते हैं, और आप भी किस तरीके से लॉकडाउन पीरियड में अपनी कार का ख्याल रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी कार के पास और जानते हैं। आ चुके हैं हम लोग अपनी कार के अंदर, और सबसे पहले जो है कार के इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। इग्निशन ऑन करने के बाद जो कि हमारी कार जो है इतने दिनों से खड़ी रहती है तो इसकी बैटरी जो है डाउन ना होए, इसके लिए आप जो है कार को हफ्ते में एक बार 5 से 10 मिनट के लिए स्टार्ट कर लीजिया करिए, जिसमें कि आप कार का एसी भी ऑन कर लिया करिए और हल्का सा आगे पीछे कर लीजिया करिए जिससे कि कार की जो है रनिंग प्रॉपर बनी रहे। इसको मैं धीमा कर लेता हूं। ओके, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि क्या इसमें वीडियो सपोर्ट करती है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 1080p पे इस टाइम वीडियो चल रही है जो कि आप इस टाइम देख रहे हो, और नाम आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, आठ पर्चे जो कि पंजाबी गाना है और इस टाइम चल रहा है। तो खैर चलिए अब गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट और गाड़ी को बाहर निकालते हैं थोड़ा सा, और एसी को भी मैं ऑन कर लेता हूँ। तो गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है और वैगनार आप जैसा कि देख सकते हो ऑलरेडी मैंने बाहर निकाल के खड़ी कर ली है। अब कार को मैं जो हूँ बाहर निकाल लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे कार जो है थोड़ी सी चलने लगे, और हल्का सा आप एक हफ्ते में 5 मिनट के लिए निकाल के आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने हैंड ब्रेक इस टाइम फिलहाल लगा दिया है, एंगेज कर दिया है, कार जो कि स्टार्ट है और एसी भी इसका ऑन है। अब चलते हैं, जरा वैगनार को भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आ चुके हैं वैगनार के अंदर और इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। एसी इसका ऑलरेडी मैंने ऑन कर रखा है और दोनों गाड़ियां फिलहाल के लिए स्टार्ट हैं, और एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आप स्टार्ट करके इसे छोड़ सकते हैं। तब तक चलते हैं गाड़ी के बाहर। आप देख सकते हो मैंने इन दोनों गाड़ियों को स्टार्ट करके बाहर रख दिया है, आइडल कंडीशन में है, दोनों के कंप्रेसर ऑन है, इंजन ऑन है, और प्लस एसी भी दोनों गाड़ियों के ऑन है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। दोनों ही गाड़ियां हालांकि नई है, बट फिर भी इस लॉकडाउन में बैटरी ड्रेन होने से बचाने के लिए मैंने इन दोनों गाड़ियों को 5 मिनट के लिए स्टार्ट करके रखा हुआ है। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग इस चीज को नोटिस कर रहे हो कि दोनों गाड़ियों पे जो पर्चे लगे हुए हैं, तो मैं बता दूं कि मेरी फैमिली जो है वो कुछ ऐसी सर्विसेज से बिलोंग करती है जिसमें कि इन दोनों गाड़ियों को कभी कभार निकलना पड़ जाता है, जिस वजह से मैंने ये दोनों स्टिकर्स जो है गाड़ियों पे पेस्ट कर रखे हैं। तो इसके लिए आप जज मत करिएगा, और फिलहाल के लिए अगर इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी गाड़ी बाहर नहीं निकलती है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो जरूर करना है। अब इसी के साथ 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और गाड़ियों को मैं करता हूं बंद, और इसके बाद दोनों गाड़ियों को मैं अंदर खड़ी करके आपको आगे का प्रोसीजर समझाने वाला हूं।
तो फिलहाल के लिए मेरी गाड़ी जो स्टार्ट है, अब इस गाड़ी को मैं वापस से रिवर्स करके जो है पार्क कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो रिवर्स कैमरा जो है ऑन हो चुका है और इसी के साथ मैं अपनी कार को जो है पार्क कर देता हूँ। रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है एक्टिव है एंड आवाज कर रहे हैं। तो फाइनली ये कार जो है पार्क हो चुकी है। अब इसके बाद एक अच्छी इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे देता हूँ कि सबसे पहले आप जो है कार का इंजन स्टॉप कर दीजिए और उसी के साथ जो है फर्स्ट या फिर रिवर्स गियर इंगेज करके रखिए, प्लस हैंड ब्रेक को रिलीज कर दीजिए, जिससे कि आपके जो डिस्क पैड्स हैं वो चिपके रहने का डर खत्म हो जाए। और आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि भाई तेरी गाड़ी अभी 2500 किलोमीटर ही चली है, तो उनके लिए ये जवाब है कि आप देख सकते हो मीटर में मेरी कार इस टाइम कितनी चल चुकी है। चलिए तो इसके बाद फिलहाल चलते हैं कार के बाहर और इस गाड़ी को भी पार्क कर देते हैं। तो चलिए आ चुके हैं हम लोग वैगनार के अंदर और इस गाड़ी को भी मैं अभी पार्क कर देता हूं और साथ ही साथ इस गाड़ी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा गंदी हो रखी है, जिस वजह से मैं सोच रहा हूं इसको कल जो हूं धुल दूं और धुलने के बाद इसको पॉलिश लगा के कवर ढक के खड़ी कर दूं ताकि ये और गंदी ना होए। और आप लोग भी अपनी कार को वॉश करके उसे कवर ढक के खड़ी कर दीजिए। कार जो है अंदर खड़ी कर दी है और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इकोस्पोर्ट के साथ एक इंसिडेंट हो गया था, तो ये बात है 8 मार्च 2020 की, जब मैं किसी काम से शहर से बाहर जा रहा था और मेरे आगे कार चल रही थी जिसने सडनली ब्रेक मार दिया, जिस वजह से मुझे ब्रेक मारना पड़ा और मेरे पीछे आ रही एक बाइक थी जिसके की ब्रेक नहीं लगे और उस बाइक का एंगल जो है वो मेरे बम्पर पे सीधे जाके लड़ा और बम्पर पे जो रिवर्स लाइट इकोस्पोर्ट में लगी होती नीचे की तरफ वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई, जो कि मैं आपको कार से बाहर निकल के दिखाता हूं। तो गए हम कार से बाहर और जिस लाइट की मैं बात कर रहा था वो ये लाइट रहने वाली है, जो कि आप रिवर्स लाइट या फिर रिवर्स फॉग लैंप भी जिसे आप कह सकते हो। तो ये जो लाइट है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो एक हल्का सा स्क्रैच दिख रहा है जो कि उसके लोहे के लेग गार्ड का है। हालांकि बम्पर की मैं तारीफ करूंगा, जो कि बम्पर है उसमें कोई भी डेंट या कोई भी स्क्रैच नहीं आया, जो पूरा असर था डैमेज का वो इस लाइट के ऊपर आ गया था और पूरे बम्पर पे ओवरऑल इस छोटे से स्क्रैच के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब फिलहाल जो है ये लाइट डैमेज हो गई तो मुझे ये रिप्लेस करवानी पड़ी और जो इसकी डैमेज्ड वाली लाइट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरे अभी भी बूथ में पड़ी हुई है। और इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये जो आप लाइट देख रहे हो ये वो लाइट है जो कि डैमेज हो गई थी और जिसके अंदर बल्ब अभी भी है और ये वर्किंग कंडीशन में है। ये लाइट मैंने इसलिए रखी हुई है जिससे कि कभी जस्ट इन केस कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इस बल्ब का मैं यूज इस कार में कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लाइट जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, जिस वजह से मुझे उस लाइट को चेंज करवाना ही करवाना था और लखीमपुर खीरी में अनफॉर्चुनेटली वो लाइट उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से मैं यहाँ से काम नहीं करवा पाया। और इत्तेफाक की बात है कि 12 तारीख को मैं गोंडा गया हुआ था, जहां पे मैंने सोचा क्यों ना एनजीएस फोर्ड पे ट्राई किया जाए और मैंने वहां पे कॉल करके पूछा तो फॉर्चुनेटली वहां पे लाइट अवेलेबल थी और उसकी कॉस्टिंग भी मैंने पता कर ली थी उनसे कॉल करके। तो मैं वहां पे जाता हूं और लाइट मैं चेंज करवा लेता हूं और लाइट की जो कॉस्टिंग पड़ी वो मैं अगर आपको बिल में देख के बताऊं तो जैसा कि आप देख सकते हो जो इनवॉइस डेट है वो 12 मार्च 2020 की है और उस टाइम पे मेरी कार जो है 4169 किलोमीटर जो है चल चुकी थी। और रही बात लाइट की, तो लाइट जो है वो ऑलमोस्ट 995 रुपए की लाइट पड़ी और लेबर चार्ज जो है 163.35 रुपीस का मेरे को पड़े और इन सब में जीएसटी पड़ी 208 रुपए की। तो इस हिसाब से जो टोटल मेरी लाइट का कॉस्ट आया इंक्लूडिंग दी लेबर चार्जेस वो पड़ा मुझे कि 1366.75 रुपए जो मुझे इस लाइट की कॉस्टिंग है वो पे करनी पड़ी। तो 1370 रुपए की अप्रोक्स लाइट पड़ी है। क्या ये लाइट का कॉस्ट जो है आपको महंगा लगता है? अगर आपके पास भी फोर्ड इको स्पोर्ट है और आप किसी फोर्ड के ओनर हो तो आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आपको फोर्ड के पार्ट जो है वो महंगे लगते हैं? अगर लगते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं बताऊं कि अगर इस कार का साइज को देखा जाए और जैसा कि इस कार का एक्स शोरूम प्राइस जो कि 10 लाख रुपए अप्रोक्स है, तो 10 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस है तो उस हिसाब से एक एक पार्ट की कॉस्ट भी वैसी ही है, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि 1370 रुपए अप्रोक्स लाइट का ठीक है बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है।
तो कार की रिवर्स लाइट का प्राइस आप लोग जान ही चुके हैं और लॉकडाउन में अपनी कार को किस तरीके से ख्याल रखना है और क्या क्या प्रोसीजर इसका फॉलो करना है वो आप जान ही चुके हैं। और इसी के साथ अपनी कार को जो है टाइम टू टाइम साफ करते रहिए और ना हो ज्यादा नहीं साफ करना चाहते तो एक बार साफ करके उसे कवर ढक के खड़ी कर दीजिए और हफ्ते में एटलीस्ट एक बार जो है 5 से 10 मिनट के लिए स्टार्ट करके आइडल कंडीशन पे एसी ऑन करके छोड़ दीजिए और उसे हल्का सा आगे पीछे करते रहिए जिससे टायरों का प्रॉपर रोटेशन होता रहे। और फिलहाल के लिए 5 अप्रैल आने वाला है और रात को 9 बजे घर की सारी लाइटें बंद करके बैल्कनी में आके कैंडल्स लाइट फ्लैश लाइट सब कुछ ऑन करके जो है आपको सपोर्ट करना है। और अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट करें मत जाइएगा और लाइक किया है तो सब्सक्राइब को बटन दबाना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब के साथ इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। टिल देन बाय बाय एंड स्टे मैंटास्टिक।